इतने सारे फोन्स आजकल लॉन्च हो रहे हैं हर महीने भाई, मेरे तो बैंड बजी रहती है। कभी 4 फोन की अनबॉक्सिंग करो, कभी 5 फोन की अनबॉक्सिंग करो, मतलब फोन्स की बरसात हो रही है। और इस बरसात में आपको कंफ्यूजन की बूंदाबांदी हो ही रही होगी दोस्तों, और उसी बूंदाबांदी को वाइप करने के लिए मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए स्पेशल वीडियो। स्मार्टफोन, सॉरी, बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपए। अगर आपकी जेब में 25,000 रुपए नगद है या फिर बैंक में 25,000 डिपॉजिट क्या बोलते हैं उसको, वो है, तो आप खरीद सकते हो। इन सभी में से इन सभी को हटा देते हैं। ये है मेरे फेवरेट स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपए, तो आप सभी को चेकआउट कर सकते हो। ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने पहले स्मार्टफोन की। ये है नथिंग फोन 2A, और भाई इसका बहुत ज्यादा कलर वेरिएंट आ चुका है। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है कलरफुल एडिशन। मुझे लगता है इन्होंने पता क्या किया है, अपने ब्लू कलर को, अपने ब्लैक कलर को और अपने व्हाइट कलर को मिक्स करके ये वाला कलर बना दिया है। कोई बात नहीं, सुंदर और क्रिएटिव सो लग रहा है ये। अब नथिंग फोन 2 में क्यों स्मार्टफोन अच्छा है वो रीजन देता हूं आपको। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है, और ये वाली डिस्प्ले आपको यूनिफॉर्म बेजल के साथ आती है, जिससे आपको एक्सपीरियंस काफी अच्छा आता है। फोन की ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, नॉट द बेस्ट बट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, शाकिब की गारंटी है। और यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज किया गया है। एक बार तो लगता है भाई दिल रुक सा गया है, टूट गया क्या, लेकिन कुछ नहीं होगा। और प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर डाल रखा है इन्होंने फोन के डिब्बे में। फोन का डिब्बा कहाँ है, नेवल डिब्बा देना भाई, हमारे पास 3 डिब्बा है भाई। फोन के डिब्बे में आपको चार्जर वार्जर नहीं मिलेगा, कवर नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें एप्पल से कॉपी करते हैं नथिंग वाले, अच्छी भी बुरी भी। तो भाई कवर वर नहीं मिलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है उसका। और अपने नथिंग फोन 2A के अंदर डुअल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, और अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का है, मतलब नंबर्स के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। और सेल्फी कैमरा मिल रहा है 32 मेगापिक्सल का, जो अगेन वाइड सेल्फी ले पाता है, तो कैमरा इसका भी काफी स्ट्रांग होने वाला है, कंपेयर करेंगे अभी। और फोन का डिजाइन डेफिनेटली काफी यूनिक सा है, इसके अंदर ये जो ग्लिफ लाइट्स है ये भी काफी कमाल की है। तो ये सब चीजें मतलब आप कह सकते हो कि अच्छा इनोवेटिव डिजाइन है। और नथिंग इतना पॉपुलर हो चुका है आजकल भाई, बहुत लोग देख के पहचान लेते हैं कि ये भाई साहब नथिंग का फोन यूज कर रहे हैं। बाकी फोन के अंदर 5000 एमएच की बैटरी मिल जाएगी, 45 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, चार्जर लेना पड़ेगा अलग से। और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको यहाँ पे MediaTek Dimensity 7200 प्रो चिपसेट मिला है। अब ये वाला चिपसेट इसको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी लैग वैग फील नहीं होने वाला है। और अगर आपको BGMI खेलना है तो भाई खेल सकते हो आराम से, लेकिन फोन को मैं गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है, लेकिन 25,000 के अंदर ज्यादा बेटर फोन्स अवेलेबल है, इसीलिए नेक्स्ट फोन गेमिंग वाला है। ये है Infinix GT20 Pro, और ये वाला फोन अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, लेकिन अगर किसी को गेमिंग करनी है तो ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है गेम खेलने के लिए। सबसे पहले तो फोन का डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक और गेमिंग फोन का फील दे रहा है। इसके साथ बॉक्स के अंदर आपको ऐसे कुछ कवर्स मिल जाते हैं जिसको लगाने के बाद और ज्यादा गेमिंग फील आता है। इसका एक स्पेशल कवर भी आता है जिसके ऊपर फोन कूलर सेट हो जाता है। तो कुछ कुछ इनोवेटिव चीजें की इन्होंने जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग हो जाएगा इसका। और अगर फोन के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको 6.78 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अगर आप BGMI खेलोगे तो स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस का सपोर्ट मिलता है, और जो मैक्सिमम सेटिंग से अल्ट्रा HDR वाला वो तो मिलेगा ही आपको। और ऐसी कुछ लाइट वाइट भी जलती है, इसके अंदर भी लाइट है भाई गेमिंग वाला, जो डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकता है, कॉल आएगा, SMS आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, गेम खेलोगे या चार्ज करोगे सब में ये चलता रहता है। लेकिन ये उतना यूजफुल मुझे लगा नहीं है, मुझे तो नथिंग का भी ग्लिफ लाइट उतना यूजफुल नहीं लगता है। गेमिंग फोन तो गेम तो खेलना पड़ेगा, डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा है तो हल्का से तो कम कर देते हैं। देखो फ्लैट डिस्प्ले तो उसमें गेम आराम से खेल पाओगे, और देखो इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रो हो गेमिंग में तभी मजा आएगा आपको। ए मार दो मार दो मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, मार दिया भाई वो, ए मार दूंगा, देखा भाई क्रेजी खेला भाई मैंने। कहने का मतलब है गेमिंग एक्सपीरियंस तगड़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट चिपसेट मिल रहा है, जो डेफिनेटली एक फ्लैगशिप चिपसेट है। लेकिन दोस्तों हमारे पास एक और फोन है जो परफॉर्मेंस किंग कह सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। अभी इसे कैमरा देख लेते हैं। और Infinix GT20 Pro के अंदर ट्रिपल रियर कैमरा है। मेन कैमरा सेंसर Infinix ने 108 मेगापिक्सल का दिया है, बाकी दो कैमरा है 2-2 मेगापिक्सल के, और सेल्फी कैमरा है यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का, जो काफी वाइड सेल्फी लेता है। और फोन के अंदर 5000 एमएच की बैटरी मिल रही है, इसके बॉक्स के अंदर 45 वॉट का फास्ट चार्जर भी है, और ये फोन बाईपास चार्जिंग सपोर्ट करता है, मतलब इसको चार्ज लगा के आप गेम खेल सकते हो। वैसे फोन के इनहैंड फील के बारे में बात करूं, थोड़ा प्रीमियम तो फील आता है, लेकिन इसकी बिल्ड प्लास्टिक की है, फ्रेम
प्लास्टिक का है और एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि आपको डुअल स्पीकर मिल जाएगा और इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है क्योंकि जीटी सीरीज के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो पूरा लैग फ्री एड वेड भी नहीं आता। डेफिनेटली इन्फिनिक्स को भी रिकमेंड किया जा सकता है। अपने लिस्ट का नेक्स्ट फोन है नैन अवेला मोटो एच 50 फ्यूजन और मेरे हिसाब से ये ऑलराउंडर फोन है। सबसे पहले तो आपको डिजाइन की बात की जाए, काफी डिफरेंट सा डिजाइन है और इसका नाम है हॉट पिंक कलर। और भी कलर एंड डिजाइन आपको यहाँ पे मिलने वाले। इसकी फील एक्चुअल में बहुत कंफर्टेबल हाथों में है। तो ये वीगन लेदर लेकिन नॉर्मल वीगन लेदर होता है ना उससे काफी डिफरेंट है ये। और हमारे लिस्ट का पहला और आखिरी फोन है जो कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। ये वाला डिस्प्ले 6.7 इंच की पी ओलेड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली और डिस्प्ले का एक्सपीरियंस एक्चुअल में बहुत अच्छा है। और डिस्प्ले के ब्राइटनेस के बारे में बात करें तो हम ये सारे फोन्स को लेके जाएंगे आउटडोर और वहां पे इसकी ब्राइटनेस को टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे सबसे ज्यादा अच्छा डिस्प्ले किसका है, क्योंकि अलग अलग देखोगे आपको सारे डिस्प्ले अच्छे लगेंगे लेकिन एक डिस्प्ले निकालना इंपॉर्टेंट है। और मोटो एच 50 फ्यूजन के अंदर आपको 3 कैमरा मिलेंगे टोटल। 2 कैमरा बैक पे है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है और ये सोनी का लीटिया सेंसर है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसे पार्क में टेस्ट किया था। और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो अगेन बेटर है बाकी सारे फोन के सामने। और सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का जो काफी वाइड सेल्फी ले लेता है। वीडियो के लास्ट में इसको कंपेयर करेंगे। और फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिला है। अब ये प्रोसेसर भी काफी अच्छा प्रोसेसर है लेकिन मेरे हिसाब से फोन के कैमरे के अंदर थोड़ा बहुत और ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, मतलब कि हल्का सा परफॉर्मेंस लैग आ रहा है, अदरवाइज हर एक चीज बहुत ज्यादा स्मूथ और परफेक्ट है। अगर आप इसके ऊपर BGMI खेलोगे तो BGMI भी आपको आराम से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा HDR का सपोर्ट मिल जाता है और स्मूथ पे एक्सट्रीम का, मतलब मैक्सिमम BGMI सेटिंग्स ओपन है। और फोन की बैटरी है 5000 mAh की, 68 वॉट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा तो फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है और बैटरी भी अच्छी मिल रही है, लेकिन एक ऑलराउंडर फोन के हिसाब से बहुत सही है। मतलब परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी और डिजाइन भी मस्त है। तो मोटो एच 50 फ्यूजन भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अच्छा फोन है भाई, जाके खरीद लो इसको। नेक्स्ट फोन है अपना आईक्यू Z9 और ये अपने लिस्ट का सबसे सस्ता फोन है, बस 20,000 मिल जाएगा। और फोन का डिजाइन थोड़ा प्लेन सा मिलेगा आपको। यहाँ पे 2 कलर में अवेलेबल है फोन। अगर आपको ऐसे सिंपल डिजाइन पसंद है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। फोन के अंदर मिलेगा आपको 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले। इसकी ब्राइटनेस 1800 निट्स है जो एक्चुअल में बहुत अच्छी है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। फोन यूज करने में आपको बहुत ज्यादा स्नैपी और फास्ट रहता है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस बाकी सारे फोन के सामने बेस्ट नहीं है, बट BGMI जैसे गेम्स आप आराम से खेल सकते हो इसके ऊपर। MediaTek Dimensity 7200 मिला है इसके अंदर जो एक काफी अच्छा प्रोसेसर है, 20,000 के अराउंड बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देगा ये। और IQOS Z9 के अंदर आपको डुअल कैमरा मिलता है रियर के साइड में, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा वाला सेंसर है और सेल्फी मिल रही है आपको 16 मेगापिक्सल की। और कैमरे का परफॉर्मेंस हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। बाकी फोन के अंदर डुअल स्पीकर है, 5000 mAh की बैटरी है, 44 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिला है। तो ओवरऑल ये वाला फोन है तो काफी कमाल का और बैलेंस फोन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। ये है पोको X6 प्रो और इसको आप सिंपली कह सकते हो बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन अंडर 25,000 रुपए। इसकी प्राइस 24,500 है, प्लास्टिक बिल्ड है, फ्रेम प्लास्टिक है लेकिन फोन इन हैंड पूरा ग्लास वाला फील दे रहा है। और फोन की अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है और ये वाला डिस्प्ले अगर आप नोटिस कर रहे हो चिन से बहुत छोटा है, ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, आउटडोर में भी चेक करेंगे। 190 ग्राम का वेट है, 8.3 mm की थिकनेस है और फोन का एक्सपीरियंस डेफिनेटली प्रीमियम है। प्रॉब्लम यहाँ पे है फोन के अंदर एक्स्ट्रा वाले एप्लीकेशन भर भर के मिले, लेकिन अगर भाई वाला सजेशन दूं आपको, इसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, 2-3 सेटिंग्स होती है जिसको आप इसका ऐड भी ऑफ कर सकते हो। और अपने पोको X6 प्रो के अंदर आपको यहाँ पे 3 कैमरा मिला है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर जिसका कुछ काम नहीं होता है। और सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, मतलब यहाँ पर भी कैमरा काफी स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं लेकिन कितने स्ट्रॉन्ग है अभी देख लेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी परफॉर्मेंस 25,000 में बेस्ट है, अपने इन्फिनिक्स के आगे भी बेस्ट है, क्योंकि इन्फिनिक्स के अंदर मिलता है आपको डायमेंसिटी 8200 अल्ट्रा, पोको के अंदर मिल रहा है डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा जो एक्चुअल में गेमिंग परफॉर्मेंस 30% ज्यादा बेटर देगा आपको। फोन को मैंने यूज किया, बहुत स्मूथ है। BGMI ओपन कर लूं, देखो भाई बैकग्राउंड में चल रहा है और पता नहीं कब खोला था इसके ऊपर मैंने BGMI, क्रेजी भाई। वैसे अपने इन्फिनिक्स के अंदर एक्स्ट्रा गेमिंग चिप है, रहने देते हैं, एक्चुअल जो मेन चिप है वो मैटर करता है। ग्राफिक्स देखो स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस का मिल रहा है, अल्ट्रा HDR सपोर्ट आराम से मिलेगा आपको, इसी पे खेलते हैं। वॉल्यूम फुल, डुअल स्पीकर है। अरे हैकर है, हैकर रुक जा भाई, हैकर लोग को बता के आता हूँ कहाँ से मार रहा है हैकर। तो एक्चुअल एक्सपीरियंस बताओ,
तो सही आ रहा है भाई, काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है। चल भाई चल, अबे चलना। फोन की परफॉर्मेंस अच्छी है, आपके भाई की परफॉर्मेंस थोड़ी लूज हो रखी है, लेकिन इसके ऊपर गेमिंग एक्सपीरियंस बेस्ट आ रहा है। बाकी आपको फोन के अंदर बैटरी मिलती है 5000 mAh की, एक फास्ट चार्जर है 67 W का, और डेफिनेटली पोको X6 Pro 25000 के अंदर बेस्ट फोन है परफॉर्मेंस के लिए, और इसको मैं रिकमेंड करूंगा, जाके आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बेस्ट फोन अंडर 25000 रुपए। अब थोड़ी सी कैमरा की बात कर लेते हैं। सारे फोन के कैमरा की स्पेसिफिकेशन आपने देख ली, लेकिन हमने इसके कैमरा को टेस्ट करने के लिए इस बार कुछ डिफरेंट किया। सारे फोन से हमने जाके सेम फ्रेम और सेम ऑब्जेक्ट की सेम टाइम पे फोटोज कैप्चर की, और हमारे पास आप रिजल्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पोको X6 Pro की। तो भाई यहाँ पे डिटेल सेल्फी में बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं है। उसके बाद ये है मोटो फ्यूजन 50 जिसमें थोड़ा बेटर डिटेल है और स्किन टोन भी ज्यादा बेटर लग रहा है। ये वाला है आईक्यू Z9 और इसके अंदर डिटेल्स काफी अमेजिंग आई है, लेकिन फेस नेचुरल नहीं लग रहा है जितना ज्यादा मोटो लग रहा है। और ये है अपना इन्फिनिक्स GT20 Pro, इसके अंदर डिटेल्स अच्छे हैं और कलर काफी ज्यादा फेडेड है, बट सेल्फी बहुत वाइड है। और लास्ट में आता है अपना नथिंग फोन 2A, इसके अंदर भाई डिटेल्स बहुत अच्छी हैं, स्किन टोन बहुत नेचुरल है, बट सारी फोन्स में मोटोरोला की सेल्फी सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। डिटेल्स भी अच्छे हैं, कलर्स भी काफी सही है, और ये काफी वाइड सेल्फी भी लेता है। और अभी देख लेते हैं 1X की फोटोज। नथिंग की फोटो बहुत ज्यादा नेचुरल है, बट इसकी डिटेल्स अच्छी मेंटेन नहीं हुआ है। और अगर मैं एक्स्ट्रा फोटो भी देख रहा हूँ तो यहाँ पे जबरदस्ती डिटेल निकालने के लिए HDR बहुत बढ़ाया हुआ है और फोटो उतनी अच्छी नहीं आई है। इन्फिनिक्स के अंदर कंसिस्टेंसी इश्यूज है भाई, और इसका 108 MP कैमरा डिटेल्स भी अच्छी नहीं निकाल पाता है। और ये है अपना आईक्यू Z9 का कैमरा, इसमें डिटेल्स थोड़ी ज्यादा बेहतर है, फोटो थोड़ी सी सैचुरेटेड है, स्किन टोन भी बहुत लाल किया हुआ है। और ये वाला है अपना मोटो H50 फ्यूजन, इसके कैमरा में डिटेल्स सबसे ज्यादा बेहतर है, और स्किन टोन भी अगर आप देखो थोड़ा सा गोरा किया है इसने, लेकिन बहुत बेहतर फोटोज है। अगर आपको इंस्टाग्राम पर डालना आप डायरेक्टली डाल सकते हो। ओवरऑल इसका सोनी का सेंसर बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये है अपना पोको 64 MP कैमरा के साथ, इसमें डिटेल्स अच्छे नहीं है, कलर्स भी काफी फेडेड है, और फोटो भी एवरेज आई है। तो ये सारे फोटोज में भी अगेन मोटो की फोटो सबसे ज्यादा अच्छी आई है, और सच में मोटो H50 फ्यूजन बहुत बेहतर फोटो ले रहा है। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। हमारे सारे फोन्स के अंदर पोर्ट्रेट मोड में 2X का मोड मिल जाता है। मोटो में तो आपको 24mm, 35mm और 50mm है, लेकिन पोको के अंदर 2X का मोड नहीं है, और ये 2X मोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पोर्ट्रेट फोटोज के लिए, जिससे ज्यादा बेहतर एंगल आता है। तो हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट में 2X मोड पे काफी सारी फोटोज कैप्चर की। तो पोको के अंदर पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन अच्छा आता है, इवन कि आपको लेवल ब्लर भी अच्छा है, डिटेल्स भी पोर्ट्रेट मोड के हिसाब से अच्छे हैं, बट कलर्स मुझे पसंद नहीं आए। मोटो H50 फ्यूजन की बात करें, यहाँ पे भाई फोटो के अंदर बहुत ही अच्छा डिटेल है पोर्ट्रेट मोड में, और एज डिटेक्शन भी बहुत ही शानदार है, बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा बनता है, और कलर्स एंड स्किन टोन भी भाई परफेक्ट है। अपने आईक्यू Z9 में भी बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट आता है 2X पे, यहाँ पे डिटेल्स बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भाई 20000 का फोन है तो उसके हिसाब से इसका भी कैमरा काफी अच्छा काम कर रहा है। और ये है अपने इन्फिनिक्स का कैमरा, भाई ये क्या कर दिया इसने, कलर बैलेंस नहीं है इसके अंदर, और थोड़ा स्किन भी अच्छा मेंटेन कर सकता है, डिटेल्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये है अपना नथिंग, भाई नेचुरली बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट ले रहा है, स्किन टोन थोड़ा सा व्हाइट एंड येलो हो रहा है, बट ये नेचुरल टोन पे फोटो अच्छी कैप्चर कर रहा है और डिटेल भी अच्छी है। तो अगेन पोर्ट्रेट मोड में मोटो H50 फ्यूजन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और अगर वाइड एंगल कैमरा की बात की जाए, आईक्यू Z9 और इन्फिनिक्स G20 Pro वाइड एंगल कैमरा के साथ नहीं आते हैं, बट अपने तीन फोन वाइड एंगल कैमरा के साथ आते हैं। देखो ये है नॉर्मल मोड की फोटो और ये है वाइड एंगल की फोटो। वाइड एंगल में अगर जूम करते हैं सबसे अच्छा डिटेल नथिंग के अंदर मैनेज होता है, उसके बाद है अपना मोटो एंड देन पोको। बट अगर कलर की बात की जाए, मोटोरोला कलर को बहुत पॉपी कर देता है। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे आपको कैमरा विनर मिल चुका है, जो की है मोटो, उसके बाद आईक्यू, देन नथिंग। बट प्राइस के हिसाब से आईक्यू 20000 रुपए का है और बाकी सारे फोन महंगे हैं, तो आईक्यू एंड मोटो H50 फ्यूजन मेरा फेवरेट पिक रहेगा। और अगर बात करते हैं डिस्प्ले ब्राइटनेस के बारे में, हमने जितने भी फोन आपको दिखाए लिस्ट के अंदर, वो सारे फोन के अंदर एमुलेट डिस्प्ले मिले हैं आपको, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ परफॉर्मेंस मैटर करता है, इसलिए हमारे पास जितने भी स्मार्टफोन थे सबके ऊपर हमने सेम वॉल पर लगा रखा है और सबकी ब्राइटनेस अभी फुल पे है। अगर मैं क्लोजली देख रहा हूँ तो सबसे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले मुझे लग रही है, पहला तो ये वाला फोन लग रहा है जो है आईक्यू Z9, एंड डिटेल्स एंड क्वालिटी के मामले में मुझे लगता है
ये जो मोटो का फ्यूजन 50 है ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी ब्राइटनेस और डिटेल बहुत अच्छी लग रही है। तो सेकंड नंबर पे ये जाएगा। ये इन्फिनिक्स का GT20 Pro भी काफी ब्राइट लग रहा है, इसको मैं थर्ड नंबर दूंगा। और फोर्थ एंड फिफ्थ पे है पोको X6 Pro और नथिंग फोन 2 है, इनकी भी ब्राइटनेस कम नहीं है, आपको आउटडोर में आराम से काम हो जाएगा। लेकिन एक फोन यहाँ पे रखा हुआ है जो कि है अपना डिस्प्ले किंग सैमसंग का S24 Ultra। मेरे हिसाब से सैमसंग डिस्प्ले सबसे ज्यादा फाइन ट्यून रहती है। सैमसंग S24 Ultra से क्लोजेस्ट डिस्प्ले आपको इन्फिनिक्स मिल रहा है, उसके बाद पोको मिल रहा है, और डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि मोटोरोला की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा सैचुरेटेड है। तो दोस्तों अगर कंक्लूड करते हैं अपने बेस्ट फोन को 25,000 के अंदर, तो ये सारे फोन भाई अपने अपने प्राइस रेंज में अच्छे हैं। अगर आपको गेमिंग करना है तो आप पोको ले सकते हो, अगर आपको सॉफ्टवेयर और प्रीमियम फील चाहिए तो नथिंग कुड बी और साथी, या फिर आप मोटोरोला भी ले सकते हो, इसमें भी अच्छा सॉफ्टवेयर मिलता है। और अगर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस वाला अच्छी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, थोड़ा ऐसे क्रिएटिव लुक भी हो जिसके अंदर, तो इन्फिनिक्स भी एक अच्छा फोन लेके आ रहा है। लेकिन अगर आपको बजट में ऑलराउंडर चाहिए और ये डिजाइन आपको पसंद है तो आप IQ का Z9 भी ले सकते हो। लेकिन अगर मैं अपना फेवरेट फोन बोलूं तो तीन फोन मेरे फेवरेट है। नंबर 1 पे रहेगा मोटो, सेकंड पे रहेगा ये नथिंग, एंड थर्ड पे रहेगा ये IQOO Z9। और इसी नोट के साथ इस वाले वीडियो को लेते रखते हैं। भाई बारिश भी हो गई नोएडा में, इतनी भीषण गर्मी के बाद आपको दिखा दिया हमने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यहाँ तो देखा सब्सक्राइब करके जाना। बाय, मैं जा रहा हूँ बारिश एंजॉय करने। वाटर प्रूफ कौन सा फोन है वैसे यार? ये तो मोटो है, नंबर 1 चॉइस, पता भूल गया था भाई।